सो गाइस हम लोग अभी है इन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि वेलकम टू द न्यू व्लॉग गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट गाइस। और वेलकम यहां से जहां से द सिटीज ऑफ ऑरेंज के साथ साथ द सिटीज ऑफ टाइगर्स ऑल्सो। वेलकम टू नागपुर सिटी। जैसे कि देख लो इधर, आप देख ही रहे हो पीछे, आई लव नागपुर का बोर्ड के इधर पहुंच चुके हैं अपन। सो ये जो लोकेशन है, इट इज नोन एज अंबाजारी लेक। सो गाइस हम लोग अभी है इन अंबाजारी लेक। सो सर के साथ आए अपने ओला में। आपका नाम बता दीजिए। रंजीत बांदे। रंजीत बांदे, अगर आपको नागपुर में ओला या खाली फुल डे के लिए अगर गाड़ी वाड़ी चाहिए तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच सर आपका। थैंक यू सर। और उनका एक और चैनल भी, उसका भी लिंक मुझे वो व्हाट्सअप करेंगे फिर, ताकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा गाइस। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो गाइस अपने साथ आगे इधर के सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम राहुल झाड़े। अच्छा, कहाँ से हो सर? सर मैं नागपुर से ही हूँ। हाँ सर। हाँ, बेसिकली आप अपने ऑडियंस को बता सकते हो इधर क्या क्या हम घूम सकते हैं? सर नागपुर में वैसे देखा जाए तो बहुत सी जगह है घूमने लायक, जैसे रामटेक है, ये जैसे आप अंबाजरी आए हो, ये अंबाजरी भी है और फुटाला लेक है, बहुत सी जगह है सर। और खास करके नागपुर जो है अपना वो खाने के लिए भी फेमस है, फूड के लिए भी फेमस है, तो बहुत सी चीजें हैं सर नागपुर में। मैंने तो नागपुर में जो सुना है वो ऑरेंज के लिए। हाँ सर, ऑरेंज सिटी भी है, ऑरेंज सिटी भी बोलते हैं उसके। हाँ, ऑरेंज सिटी भी बोलते हैं सर, ऑरेंज भी काफी फेमस है और खास करके ये ऑरेंज सिटी के नाम से ही जाना जाता है नागपुर अपना। जी सर। तो थैंक यू सो मच सर आपको मेरे ब्लॉग में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। सो गाइस ये कुछ रास्ता है अपना थोड़ा ऑफ रोडिंग वाला, एज पर लोकल वी हैव टू गो थ्रू टिल बिट ऑफ हिली रीजन। सो ये कुछ नजारे ऑफ अंबाजरी लेक और यहाँ पे एकदम वंडरफुल लग रहा है। बट इधर सिर्फ झाड़ियों के जैसे ना थोड़ा लेक आपको छोटा दिखता होगा, तो मैं मैक्सिमम आपको जूम इन करके दिखा रहा हूँ, तो उस पार भी आपको थोड़े बहुत ट्रीज वगैरह दिखेंगे। और इट्स रियली अमेजिंग आउट हियर। तो लेक तो बहुत खूबसूरत है, खाली जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है इधर थोड़ा सा साफ सफाई में थोड़ा सा कम है, बस रादर देन दैट द लेक लुक्स रियली रियली ऑसम। तो ज़्यादा लोकल लोगों ने मुझे ये रिकमेंड किया ये वाला लेक एक्सप्लोर करने के लिए। आपको जैसे कि देख रहे हैं इस ऑपोजिट साइड में वो मेट्रो का जो ट्रैक जैसा आपको दिख रहा है, वो मेट्रो का ट्रैक ही है। उसके नीचे जो व्हाइट वाला जो आपको दिख रहा है, दैट इज़ थोड़ा ताजमहल जैसा दिख रहा है वो आपको वाला, जो एलिफेंट टावर जैसा है। एलिफेंट टावर के पीछे आपको जैसा वॉल क्लॉक जैसा दिख रहा है, दैट इज़ वो लंदन का ब्रिज के सामने वाला आपको दिखता है। लंदन ब्रिज के इधर जो वॉल क्लॉक है वही है गाइस। और उसके बाजू में जो आता है वो इटली में, जो हमने आपको सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड का ब्लॉग में बताया वो वाला भी बताया, एंड एज वेल एज लीनो पीसा ऑल्सो वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। अपन उधर नहीं जा सकते बिकॉज गाइस की यहाँ पे क्या इशू ऐसे कि यो जो अभी प्लेस जो आपको ब्लैक गेट जैसा दिख रहा है, दैट इज प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू समवन एल्स राइट नाउ, सो वी आर नॉट अलाउड टू गो आउट देयर। सो गाइस यहाँ पे हम लोग एक स्वामी विवेकानंद का गार्डन आए थे इधर। सो ये अभी थोड़ा क्लोज है बिकॉज ड्यू टू टाइमिंग का इश्यूज हो गया, जैसे कि देख रहे हो अब दिस इज़ 4 PM टू 9 PM। जैसे कि देख रहे हो द टिकट काउंटर का भी डायरेक्शन दिया गया, अगर आप इंट्री करते हो तो दिस इज़ द वन। तो आपको मैं थोड़ा सा बाहर से आपको इसका शॉट दिखा देता हूँ, ताकि आप इन फ्यूचर अगर आप आते हो तो आप ये टाइमिंग में ज़रूर आना। और ये कुछ अगर आप इंट्री करते हो तो कुछ इस तरह के नज़ारे आते हैं आपको, स्वामी विवेकानंद जी का थोड़ा मूर्ति जैसा। एंड यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है, दैट इज़ कि यहाँ पे एंट्री फी जो है इधर लिखा है। अच्छा, ये मराठी में लिखा गया, बट आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि ये जो एंट्री फी है इस गार्डन का ₹10 एंट्री फी। अगर आप कैमरा लेके जाते हो जैसा कि मेरे जैसा कुछ कैमरा DSLR वगैरह या ऐसे कुछ ब्लॉगिंग कैमरा वगैरह, तो दिस इज़ द चार्ज विच यू हैव टू पे ₹100। एंड टाइमिंग्स तो आपको समझ ही कह रहेगा, दोपहर मतलब शाम को 4 PM टू रात को 9 बजे तक आप इसी टाइम के बीच में आप इस वाले गार्डन को एक्सप्लोर कर सकते हो। बट हमारा आज थोड़ा सा लक और टाइम दोनों नहीं मिला। यहाँ पे लिखा भी है कि स्वामी विवेकानंद स्मारक। तो जैसे कि आपने स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू देखा होगा जब मैंने आई लव नागपुर का टाइम पे देखा, इधर ही किधर है जैसे कि देखिए उधर माई लव नागपुर जैसे देखा आपने अभी थोड़ी देर पहले, सेम इधर ही आपको दिखेगा स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू। इधर दूर से आपको दिख नहीं रहा था तो इसके लिए मैं थोड़ा क्लोज आके आपको दिखा दिया, और मैं थोड़ा मैक्सिमम जूम इन भी कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे।
अभी देखते देखते हम लोगों ने सब एक्सप्लोर तो कर दिया, अंबाजरी लेक और ये वाला स्वामी विवेकानंद जी गार्डन बाहर से देखा। अभी दूसरा वाला जो लोकेशन है मैं वही बुक ये मोबाइल पे देख रहा हूँ, क्योंकि हमारा एक और दोस्त है जो मुंबई में, ही इज़ फ्रॉम बिलोंगिंग फ्रॉम नागपुर, शैलेश भाई, उन्होंने मेरे को ये सब लोकेशन जो है बता दिया। आई नो गूगल्स वगैरह, बट जब किसी को लोकल को पूछेंगे ना तब उसका लोकेशन आपका होटल से कितना दूर है, आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साउथ बॉम्बे में रहते हो तो आपको पता है कि आजू बाजू में क्या क्या घूमना है, जैसा कोलाबा हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, नरीमन पॉइंट हो गया एंड सो ऑन। तो वह सब ऐसे ही सिमिलरली ये वाला एरिया में भी घूमने के लिए आपको अलग अलग प्लेसेस घूमनी पड़ती है, तो वो सब मैं देख रहा हूँ गूगल मैप्स में और ओला वगैरह लेके घूम रहा हूँ। यहाँ पे आप मेट्रो से भी घूम सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ओला से ही घूम सकते हो। यहाँ पे भी आई थिंक सो कुछ दिन पहले, जैसे कि आपको पता है कि 22 जनवरी को राम मंदिर जो अयोध्या में खोला था, तो यहाँ पे भी उसका सेलिब्रेशन देखा गया है, जैसे कि देख रहे हो श्री राम मंदिर अयोध्या करके लिखा गया। सो गाइस हमने मंगा दिया वापस ओला और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे अभी और नए लोकेशन में, दीक्षा भूमि करके एक प्लेस है जहाँ पे मैंने जैसे कि बोला बहुत सारे लोगों ने मुझे इस प्लेस को रेकमेंड किया और अपने साथ अपने भाई, आपका नाम क्या है भाई सर? रत्नपाल जी के साथ हम इधर दीक्षा भूमि के पास जा रहे हैं अभी। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके इन दीक्षा भूमि, दिस इज द डोम आप जैसे कि देख रहे हो। ये कुछ मेरे को आपको जैसे कि आपने मेरा एक ब्लॉग देखा रहेगा दादर में जब हम गए थे, यहाँ पे यू कैन सी देर आर लॉर्ड ऑफ रिलेटेड टू लॉर्ड बुद्ध एज वेल एज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का रिलेटेड ही है सब कुछ। जो ये वाला जो आप देख रहे हो मेरे पीछे जो दीक्षा भूमि है, इट इज़ क्यों फेमस है मैं बताता हूँ, बिकॉज दिस इज़ फेमस बिकॉज जो डॉक्टर साहब बाबा अम्बेडकर है, जो आपको पता नहीं हु इज़ ही, देन ही इज़ द पर्सन हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ही वॉज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म हियर आउट हियर, दिस इज़ द प्लेस। तो इसके लिए आपने जैसा भी थोड़ी देर पहले आपने लॉर्ड बुद्धा का एंड एज वेल एज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो फोटोज़ वगैरह देखे थे, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, दैट इसके लिए ये सब दिखाया जाता है और बहुत कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करना। और इसके अंदर डोम में आई थिंक सो कैमरा इज़ नॉट अलाउड, लेट्स सी इफ कैमरा इज़ अलाउड देन वेल एंड गुड, इफ इट इज़ नॉट अलाउड देन मैं आपको अंदर का जो रिव्यूज़ है वो मैं बताऊँगा। सो एक और चीज़ गाइस, अगर आप इसके अंदर जाना चाहते हो या किधर रोम अराउंड भी करना चाहते हो तो आपको अपना फुटवेयर निकालना पड़ता है, यू आर नॉट अलाउड टू इंटर विथ योर फुटवेयर। सो हमने भी अभी जस्ट अपना फुटवेयर निकाला, तो इसके लिए अभी अपन अंदर निकल रहे अभी। सो गाइस अपन इसके अंदर तो गए थे, बट एज आई टोल्ड यू दैट इधर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं था, तो इसके लिए हमने उधर अंदर तो बिल्कुल भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तो नहीं किया। अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस करना है तो आपको इधर आना पड़ेगा। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आपको ज़रूर इधर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा सा पीसफुल तो होते होते हो बट साथ ही साथ आपको एक थोड़ा सा उसमें घुल मिल जाते हो। और इसके अंदर जो था मैं आपको अभी मैं बता देता हूँ क्या था, क्योंकि अंदर तो आपको जैसे बताया मैंने कि अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। सो अंदर उनके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लाइफ के रिलेटेड थोड़े बहुत उनके फोटोग्राफ्स थे, उनके नीचे उनके डिस्क्रिप्शन भी दिए गए और एज वेल एज लॉर्ड बुद्धा का स्टैचूज़ भी है। तो आप ज़रूर एक बार आप इधर आके एक्सप्लोर कर सकते हो दीक्षा भूमि में आने के बाद। सो इन दिस कंपाउंड वी गेट द स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा, आप जैसे कि देखो दिस इज़ द स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा and as well as we get the statue of Dr. Baba Sahib Ambedkar, जैसे कि मैं आपको दोनों related है मैंने जैसे कि बोला Dr. Baba Sahib was converted into Buddhism at this place, so इसके लिए आपको दोनों का स्टैचूज वगैरह दिखते हैं। सो गाइज यहाँ पे जैसे कि देखे तो दिस इज द कॉलेज बिल्डिंग ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे ये जो कॉलेज है, ये कुछ लवली लवली कंपाउंड वगैरह जहाँ पे हमने लवली थोड़ी देर पहले नीचे ही थे जहाँ से आपने देखा होगा, और अलग गेट भी आपने देखा, अलग गेट का सीन्स एंड सो ऑन गाइस, एकदम वंडरफुल प्लेस है गाइस यहाँ पे आने का। और आपका नाम बता दीजिए। हमारा नाम महानंद यकनाथ भौते। अच्छा आप यहाँ से ही हो? नहीं हम रहते हैं तालुका सड़गे जिला गोंदिया से। अच्छा गोंदिया से, तो यहाँ पे आप क्या मतलब घूमने आए हो कि कैसे क्या करना? नहीं हमारी लड़की थी यहाँ पे, तो ऐसी था देखने के लिए आए दीक्षा भूमि। कैसा लगा आपको ये जगह घूम के? और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी जगह है, एकदम शांत लगा कि नहीं? एकदम मस्त, मन समाधान है। हाँ, और बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ, वो धन एकाग्रता हो गई। और यहाँ पे आप गए अंदर कि नहीं गए? नहीं ना, चलो ना।
चलिए सो गाइस, अपन अब यहाँ एंट्री कर चुके हैं और कुछ ये नज़ारे लवली लव, एकदम शांत वाला डॉम है। अब जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे तो एकदम पीसफुली सी है, पूरा आपको एक हॉल जैसा लगता रहेगा ये, बट एकदम शांत है। तो इसके लिए मैं आपको धीरे धीरे आपको ये बता रहा हूँ, मतलब कि शांत के साथ साथ ये थोड़ा सा आपको थोड़ा ठंडक देगा। इधर कुछ एसी वगैरह कुछ नहीं है, ना फैन है। जैसे द लॉर्ड बुद्धा स्टैचू, अब जैसे कि देखो थोड़ा सा धूप के जैसे शायद से इसका एंटी लाइट आ सकता है, बट लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू वंस अगेन वी गॉट टू विटनेस आउट हियर। सो गाइस, जो ये ट्री देख रहे हो आपने बहुत पहले एक ब्लॉग में देखा रहेगा, ये ज़रूर बताना आपने कौन सा वाला एक ब्लॉग में देखा इसके रिलेटेड ही आपने जैसे देखा ये वाला, तो बुद्धिज़्म के रिलेटेड ही ये ट्री आपने देखा होगा गाइस। नहीं पता आपको, चलिए आपको नाम बता देते हैं गाइस किस ट्री का, दैट इज नोन एज बोधि ट्री। मैं बता तो दूंगा आपको कौन सा वाले ब्लॉग में देखा, बट आपसे एक प्रॉमिस है कि आपको वो पूरा ब्लॉग और ये बाकी सब ये ब्लॉग को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी करना है और फैलवा दीजिए किधर भी, और अगर फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो भी करवा दीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको, सोशल मीडियाज पे फॉलो कर दो गाइस, क्योंकि उसमें भी हम अच्छे अच्छे वीडियोस और रील्स अपलोड करते हैं। और ये वाला ट्रीज कहाँ पे देख रहे हैं पता है आपको गाइस, हम याद है अपन लोगों ने लास्ट ईयर जब हम वाराणसी का टूर स्टार्ट किया तभी हम लोग ने एक जगह था बौद्ध गया विच कम्स अंडर द स्टेट ऑफ बिहार, वहाँ पे देखा था ये महाबोधि टेम्पल था उस मंदिर का नाम, वहाँ पे देखा। सो यह आई थिंक सो दिस इज द ऑफिस, बिकॉज जो मराठी में लिखा है द कार्यालय, मतलब कार्यालय इन द हिंदी में भी बोलते रखते हैं उसको, कार्यालय मीन्स ऑफिस होता है। सो इनकेस आपको कुछ पूजा ऑर्गेनाइज करना है या कुछ वगैरह रहेगा तो आप इसमें आप जा सकते हो कार्यालय में। सो एक और चीज़ का इसके, अगर आप अपना बाइक और कार लेकर आना चाहते हो तो यहाँ पर आपको पार्किंग वगैरह सब कुछ मिल ही जाते हैं, तो आप इधर से अपनी कार और बाइक पार्क कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पे एंट्री फी कुछ नहीं है गाइस फॉर द पीपल हु आर एंट्रिंग फॉर द टूरिस्ट, सो आप ज़रूर आप फ्रीली इधर घूम सकते हो और अच्छा खासा फोटोग्राफी कर सकते हो, वीडियोग्राफी कुछ कुछ जगह पे कर सकते हैं, कुछ कुछ जगह पे रेस्ट्रिक्शंस है जैसे द पिलग्रिमेज प्लेस एज यू नो गाइस, सो इसके लिए हमको उनका थोड़ा लॉ रिस्पेक्ट करना है। तो जितना भी अपने को शूट करने मिला उतना अच्छा खासा शूट कर लिया गाइस, आई होप सबको ये देख के मज़ा आया होगा। सो द टाइमिंग ऑफ देवभूमि जो है इधर आप जैसे कि देख रहे हो सुबह 7 बजे से लेके रात को 8 बजे के बीच में आप आ सकते हो, पूरा ऑल डे को ऑल 7 डेज ये खुला है, तो आप ज़रूर अपने फैमिली फ्रेंड्स आपके साथ आ सकते हो इस प्लेस को घूमने के लिए गाइस। और ये यही चीज़ नहीं, अगर आप बस से भी आना चाहते हो, अगर आपके पास कार बाइक या ओला अगर आप बुक नहीं कर सकते तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आप उतर सकते हो, विच इज़ जो प्लेस के नाम पे ही ये बस स्टॉप का नाम है विच इज़ नोन एज दीक्षा भूमि करके। सो वंस अगेन हम लोग निकल चुके हैं एक्सप्लोरिंग ऑफ द डे और हम लोग इधर जा रहे टुवर्ड्स रेलवे म्यूजियम और अपने अंकल के साथ जा रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए अंकल क्या है? विकास। अंकल के साथ आप लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स रेलवे म्यूजियम, नागपुर की सवारी और रेलवे म्यूजियम की आपको मज़ा आएगा क्योंकि आप बहुत इंटरेस्टेड रहते हो गए, तो आप ज़रूर आना इस वाले प्लेस में, आपको दिखाता हूँ कि कैसा रहता है क्योंकि ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम आपको जैसे पता ही है। सो गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके इन रेलवे म्यूजियम, जैसे कि देख रहे हो इट इज़ नोन एज नैरो गज रेल म्यूजियम, और ये कुछ नज़ारे, और ये को थोड़ा सा मेरे को लगा आउटस्कर्ट्स ऑफ, इसमें ये थोड़ा सा दूर है अपने होटल से। सो गाइस ये कुछ एंट्रेंस गेट ऑफ द रेलवे म्यूजियम है, जैसे कि देखो इतना थोड़ा सा महल टाइप का जैसे अपने उदयपुर राजस्थान वगैरह में देखा वैसे ही तो नहीं है, बट थोड़ा सा अलग है ये, टिकट भी लेना पड़ता है विच इज़ अराउंड 25 रुपीज पर पर्सन, अगर आपको खाली सिर्फ टिकट लेना, टॉय ट्रेन भी कर सकते हो आप वगैरह, तो ये इधर से आई थिंक सो यू हैव टू टेक द टिकट फॉर दी, जैसे ट्रेन के जैसे ही इन्होंने टिकट बनाया आपको, अगर ये हिंदी या मराठी में रहेगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप इधर पढ़ सकते हो इन इंग्लिश, यहाँ पे टिकट्स के साथ साथ टाइमिंग्स भी दिया गया है। सो यहाँ पे आप जैसे ही देख रहे हो टिकट रेट फॉर द एडल्ट इट इज़ 25 रुपीज, फॉर चिल्ड्रेन टू टिल 12 ईयर्स इट इज़ 10 रुपीज, टॉय ट्रेन अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो गाइस, उसका फेयर है सब, और टाइमिंग आपका जो है 10:30 to 7:30 है, 7:30 है, और अप्रैल से सितंबर तक 11:30 to 8:30 तक है। और म्यूज़ियम का एक और इम्पोर्टेंट चीज़ गाइस की म्यूज़ियम इज़ क्लोज ऑन मंडे एंड नेशनल हॉलीडेज जो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर ये सब वगैरह में ये म्यूज़ियम क्लोज रहेगा, तो अपना छुट्टियाँ ये सब देख के ध्यान से आना इस
वाले म्यूजियम में गाइस। सो हम लोग अभी आ चुके इन रेलवे म्यूजियम आफ्टर टिकट प्राइस। और टिकट है अपने को 25 रुपीज़ लिया गया, जैसे कि देखो दिस इज़ द टिकट आउट हियर। और म्यूजियम इज़ रियली रियली गुड। ये मेरे को एक सूर्य सेन पार्क दो सिलीगुड़ी में, उसे मेरे को थोड़ा सा इसका वाइब्स दे रहा है इसका गाइस। आपने देखा होगा, नहीं देखा है गाइस, नहीं देखा ब्लॉग तो ज़रूर देख लेना। मैंने इधर किधर आई बटन में दिया है, इधर किधर टैप कर लेना आप। और जैसे कि देखिए दिस इज़ द टॉय ट्रेन आउट हियर। ये शायद बच्चों के लिए सिवे, एडल्ट्स लोग इसमें नहीं जा सकते जिस तरह से साइज़ वाइज जो दिख रहा है टॉय ट्रेन का, और ये सब के लिए। और ये जो स्टेशन का नाम जो है इट इज़ 0 माइल। हाँ, इंजन को रोका गया। और सामने जो देख रहे हो अपने को मेरा सेल्फी पॉइंट, जो मैंने गूगल में भी देखा था, इसको अलग से एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे कैसा लग रहा है कि मैं जैसा कि लास्ट टाइम देखा, मैं सूर्य सेन पार्क गया था, आपने देखा, मैंने जैसा कि मैं बोला कि सिलीगुड़ी का अलग ब्लॉग में, तो सेम वैसे मेरे को लग रहा है। तो यहाँ पे अपने को ये है कुछ रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, इसको नाम दिया गया रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। ये आई थिंक सो अभी ये चालू है कि नहीं ये पता नहीं, बट इसको रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट के नाम से बनाया गया है। दिस इज़ द वन जहाँ पे आप। और सामने रियल में अपने को मेट्रो दिखा, जैसे कि दिख रहे उसके ऊपर से पास हो रही है मेट्रो, लाइव मेट्रो ऑफ नागपुर गाइस। और ये अपने रियल म्यूजियम में है, इसके लिए अपने को मेट्रो का भी दर्शन हो गए जो रियल में चलती है इधर। और ये जो देख रहे हो दिस इज़ द स्टीम इंजन जो पहले पहले ज़माने में यूज़, इतना पूरा अच्छा खासा मेंटेन, मतलब कि एकदम म्यूजियम में थोड़ा अच्छा खासा बुगीज को अच्छा खासा मेंटेन किया गया। तो ये कुछ स्टीम इंजन है अपने, जैसे कि देखा, इट्स रियली रियली नाइस आउट हियर। सो गाइस दिस इज़ द रियल म्यूजियम जहाँ से आपको लगभग सब ट्रेनों की जानकारियाँ मिल जाएगी। और यहाँ पे दे आर पुटिंग द फ्लैग्स, आई डोंट नो बिकॉज टुमारो इज 26 जनवरी, जो रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया है वो है कल। सो गाइस ये कुछ रेलवे, जैसे कि अपने को अभी मैंने दिखाया था कि इधर, तो थोड़ा शांति से बात करते हुए दिखेंगे क्योंकि अभी इधर में फ्लैग सब रखा है ट्रेन का। और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखने मिलेगा मोटरमैन्स वगैरह का, आप पढ़ सकते हो, शांति से पढ़ लीजिए गाइस। मैं ज़्यादा, और इधर इंग्लिश में लिखा है तो आप इस ट्रेन के बारे में पढ़ सकते हो। मैक्सिमम जूम इन करके दिखा रहा हूँ, आई डोंट नो आपको कैमरा में कितना समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे मैं जैसे कि दिखा रहा हूँ मैं, दिस इज़ द वन ऑफ द ट्रेन आउट हियर, आप पढ़ सकते हो। और ये सब वगैरह हिस्ट्रीज वगैरह यहाँ पे, जो इंजन है सब, जो भी ट्रेन में जो लगता है इंजन से लेके उसका अलग अलग पार्ट्स, ये सब का है इधर। सबसे अट्रैक्टिव तो यही है जो मेन चीज़ है, यही है जो अट्रैक्टिव है इधर ट्रेन में। और दिस इज़ द टीटी आउट हियर। बाकी सब तो बढ़िया है गाइस, बस बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है तो आपको ये ब्लॉग है ना जो बोरिंग नहीं बनाना, इसके लिए आप खुद को, अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर इधर आ सकते हो देखने के लिए कि क्या क्या हिस्ट्रीज है, कैसे लोकोमोटिव बनते थे, क्या क्या नैरो गेजेस के बारे में वगैरह कुछ हिस्ट्री जानना चाहते हो अबाउट द ट्रेन्स एंड सो ऑन, तो यू कैन कम आउट हियर इन नागपुर इटसेल्फ, ताकि आपको भी पूरा अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिले अबाउट दी ट्रेन्स का हिस्ट्री। ब्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा हो गया रहेगा गाइस, आई डोंट नो कितना लंबा हो गया, थंबनेल के लिए परफेक्ट है। क्यों गाइस मज़ा आया कि नहीं आपको ये सब देखते हुए, और आगे का जो भी नागपुर का हमने आज एक्सप्लोर किया ये सब प्लेसेस। तो अब मैं क्या करता हूँ गाइस, ये क्योंकि इसमें बैटरी बहुत ज़्यादा लो है, तो अब मैं डायरेक्टली इधर से होटल जाऊँगा, इसको चार्ज करूँगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ डायरेक्टली आपको होटल पर। सो गाइस पहुँच गए अपने रूम में, और जैसे कि देखिए पता चल गया होगा आपको, हम पहुँच गए इन द रूम। So that's it with today's video. I hope you like this video. If you like this video, then don't forget to hit the like button, share this video, subscribe to my channel, and please press the bell icon. Agar pasand nahi aaya to then hit the dislike button too. Till then, stay safe, stay happy, spread happiness, and do whatever makes you happy. Thank you so much, guys, for watching till here. Social media pe follow nahi kiya, then do follow me on my social media. So this is my idea, guys. Welcome back to my YouTube channel, guys. So guys, अभी मेरे साथ एक ऐसा चीज़ भी, जैसे कि क्या पता है guys आपको कि आप बोलते हो ना कि गांव में छोर गांव क्या